आत्मिक भावनाओं की चर्चा चल रही है। शादक्षिणा 11 हो गई हैं, एक ही बाकी रह गई है। स्वामी जी महाराज हमारे सत्स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं, हम वास्तव में क्या हैं। देह नहीं, इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, प्राण नहीं, हम उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के अंश हैं। याद दिलाने के लिए ही आत्मिक भावनाओं की चर्चा चल रही है। सुख की चर्चा के अंतर्गत सुख के लिए आप जिसे अर्ज की गई थी, ये किसी वस्तु से नहीं मिलता। कोई वस्तु सुखदायी या दुखदायी नहीं है, मन के खेल हैं। मन को जो प्रिय लगता है वह सुख है, जो अप्रिय लगता है वह दुख है, जो उसके अनुकूल है वह सुख है, जो उसके प्रतिकूल है वह दुख है। उदाहरण दिया, जिन्होंने नहीं सुना वह मेहरबानी करके इस बात को समझने की कोशिश करें, किसी भी वस्तु में सुख या दुख नहीं है, ये मन के खेल है। आजकल कंबल ओढ़ा नहीं जाता, थोड़े दिनों में कंबल की बहुत जरूरत लगेगी, बहुत प्यारा लगेगा, बहुत मीठा लगेगा, बहुत सुखद लगेगा। कंबल तो वही है, वही दुख देने वाला है, वही सुख देने वाला है। निर्णय कौन करता है? मन निर्णय करता है। जो उसको प्रिय लगता है, जो उसको सुखद लगता है, अनुकूल लगता है, वह सुख है। जो उसके प्रतिकूल है वह दुख है। आपने ये भी सुना था, सुख हर एक का अलग अलग है। सुख बच्चे का सुख खिलौनों में है, तो युवक युवती नारियों का सुख साड़ियों में है, उनको अधिक से अधिक साड़ियों से प्रीति है। वृद्ध का सुख पोते पोती दोते दोतियों में है, वे उन्हें देख के प्रसन्न होते हैं। एक साधु का सुख भोग न भोगने में सुख है, वह अपने शरीर को यातनाएं देके सुख सुविधा से दूर रख के तो सुख महसूस करता है। एक भोगी भोगों में रहता हुआ, भोगों में रमता हुआ भी दुखी महसूस करता है। तो सुख देवियों सज्जनों सबका अलग अलग है। किस सुख की खोज के लिए हम यहाँ आए हुए हैं? आप जिन्हें सुना था, वह सुख जो हमें हर जगह मिले, हर वक्त मिले, हर एक से मिले, ऐसा सुख हमें चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत न करनी पड़े, प्रचुर मात्रा में मिले। ऐसे सुख को ही ईश्वर कहा जाता है, ऐसे सुख को ही परमात्मा कहा जाता है। तो प्रभु प्राप्ति है हमारे जीवन का उद्देश्य। उसे परम सुख कहिए, उसे परम शांति कहिए, उसे परमानंद कहिए, एक ही बात है। आत्म सुख कहिए उसे, एक ही बात है। एटर्नल हैप्पीनेस कहिए उसे, एक ही बात है। पर इसकी प्राप्ति के लिए ही हमें ये मानव योनि मिली हुई है। आप स्वयं पढ़ते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए, बड़े होते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए, विवाह शादी करते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए, बच्चे पैदा करते हैं इस सुख की प्राप्ति के लिए। मानो जो कुछ भी आप करते हो, लक्ष्य सिर्फ यही है, इस परम सुख की प्राप्ति, इस परमानंद की प्राप्ति। खोज के देख लीजिएगा, एक ही लक्ष्य है इस जिंदगी का कि हम सुखी रहें, हमें ये परम सुख, ये परमानंद, हमें परम शांति प्राप्त करनी है। इस बीच स्वामी जी महाराज ने शांत भावना भी ली थी, तो एक शब्द और आ गया कि ये सुख दुख तो हुआ, ये शांति क्या है? तो अंतर होगा, इसे परम शांति कहा जाता है, इसे परमानंद कहा जाता है। तो कुछ ना कुछ तो अंतर होगा, जो अलग अलग शब्द प्रयोग किए हैं। स्वामी जी महाराज बड़े सरल शब्दों में समझाते हैं। कामना का शुभ आरंभ हुआ, शुभ आरंभ कह रहा हूं, किसी कामना का शुभ आरंभ नहीं होता। कामना का आरंभ हुआ तो उसकी पूर्ति तक वैसे कामना का आरंभ होना ही बेचैनी। कामना अर्थात चाह, आपने देखा ना, चाह में आह लगी हुई है साथ, जहां चाह होगी वहां आह होके रहेगी,
मानो वह बेचैनी वह दुख होके रहेगा। किसी भी प्रकार की कामना है तो कामना शुरू हुई पूर्ति तक जो बेचैनी रहती है उसे दुख कहा जाता है। बड़े सरल शब्दों में समझने की हम सब कोशिश करते हैं ताकि जो मुख्य बातें हैं वह याद रहें। हमें कोई परीक्षा नहीं देनी, हमें कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं बनना है, हमें तो जो सार है वह हमें जानना है वह क्या है। तो दुख क्या हुआ, कामना की शुरुआत हुई, दुख की भी शुरुआत हो गई। जब तक उस कामना की पूर्ति नहीं होती मन व्यथित रहता है, बेचैन रहता है। संत महात्मा उस बेचैनी को दुख कहते हैं। कामना की पूर्ति हो गई, बेचैनी खत्म हुई, बेचैनी खत्म होने को सुख कहा जाता है। तो कामना की पूर्ति हो गई तो सुख हो गया। देवियों सज्जनों, कामना की निवृत्ति हो गई खत्म। मत सोचो कि कामना की निवृत्ति बहुत कठिन काम है। मैं प्रश्न पूछता हूं, यदि कामना की निवृत्ति कठिन काम है, अति कठिन काम है, तो कामना की पूर्ति क्या आसान काम है? कौन कामना की पूर्ति कर पाता है? कोई है माई कलाथ जो अपनी हर कामना की पूर्ति कर पाए? नहीं। जब तक उसकी कामना नहीं होती, जब तक उसकी इच्छा नहीं होती जो हमारे भीतर विराजमान है, जब तक वह ये नहीं चाहता कि इसकी कामना पूरी हो, तब तक कोई माई का लाल अपनी कामना को पूर्ण नहीं कर सकता। तो कामना की निवृत्ति हो गई, सुख दुख का अभाव हो गया, शांति। जहां न सुख है न दुख है, इन दोनों का अभाव है, ऐसी अवस्था को शांति कहा जाता है। उस दिन आप जी से अर्ज की थी, जैसे एक सरोवर है।